सब लोग, आज शेफ्स किचन में मैं लेके आई हूँ दही फुल्कियाँ। तो इसके लिए हमारे पास बेसन है एक प्याली, ये हमारे पास बेसन है, ये हम एक बाउल में डाल लेंगे। यहाँ हमारे पास प्याज कटी हुई है बिल्कुल बारीक, एक प्याज हमने बड़ी प्याज ले ली है, और कुछ हरी मिर्चें हैं हमारे पास, साबुत मिर्चें हैं, और थोड़ा लहसुन है, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ हम बेसन जो है वो मिक्स कर लेते हैं। एक चुटकी जो है मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ, और थोड़ा नमक जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से रखिएगा नमक। एक चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं मेरे पास, 1 टेबल स्पून ये मैं डाल रही हूँ पिसी मिर्चें, और हमने इसे मिक्स कर लेना अच्छी तरह। बेसन ही हमने अच्छी तरह घोल लिया है, ये गाढ़ा गाढ़ा सा है, और यहाँ प्याज है, और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, हरी मिर्ची और प्याज। इसमें शामिल कर दिया, यहाँ हमारे पास लहसुन और साबुत मिर्चें थी, इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाल लिया है, और बस हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। यहाँ हमारे पास योगर्ट है, चटनी हमने पीस ली है, लहसुन अदरक वो लहसुन की और मिर्चों की चटनी पीस गई है हमारी, और यहाँ दही है, दही तकरीबन हमने लेना है 1 पाव दही ले लेंगे हम। दही को अच्छी तरह फेंट लेना है। यहाँ योगर्ट मैंने जो है ना अच्छी तरह फेंट लिया है, और जो चटनी थी वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ये हमने मिक्स करके रख देना है। यहाँ हमारे पास बेसन है, ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ हमने तवे पे जो है ऑयल डाल लिया है, ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है ऑयल, चूल्हा तेज कर देती हूँ मैं, और बाकी हम फुल्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, कढ़ाई में जैसे पकोड़े बन जाते हैं वो उस तरह के हो जाते हैं, ये फुल्कियाँ गोल गोल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना ये गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, ना पतला है, तो ये आसानी से बन जाएंगी। इसको पलट लेना है। ये हो जाएंगे तो हम इसी को दही में शामिल कर लेंगे, जो हमारे पास दही और चटनी थी उसमें हमने शामिल कर लेना है, और इसी तरह से सारी फुल्कियाँ बना लेंगे। ये देखें, ये सारी फुल्कियाँ तकरीबन हो गई हैं। ये तकरीबन सारी फुल्कियाँ मैंने बना ली हैं, ये एक बड़ा ही अच्छा शेप आया ये हार्ट का, देखें। और बाकी अब इसको जो है मुझे फ्राई करना है। यहाँ मेरे पास जो है जीरा है, ये
यहाँ जीरा है और मेरे पास लहसुन है, तो ये मैं लहसुन बारीक कटा हुआ डाल देती हूँ इसमें। लहसुन और जीरे से हम इसको बघार देंगे। यहाँ हमारे पास दही है पर ये जो है बहुत गाढ़ा है, तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे क्योंकि अभी इसमें फुलकियाँ जाएंगी तो वो और दही जो है कम हो जाएगा। ये जितना गाढ़ा रखना है आपको उतना रख लेना। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ये तवे पे था ऑयल, तो मैंने इसी में ही बना लिया, फ्राई पैन नहीं लिया मैंने। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना गाढ़ा रखा है मैंने दही, और हम इसी में फुल्कियाँ शामिल कर देंगे। ये फुल्कियाँ शामिल हो गए। ये दही फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही इजी हैं, मेरी एक दोस्त की फरमाइश पे मैंने बनाई हैं। बाकी ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।